स्टेज पर तशरीफ फरमा, महाकुटुंब के कायदीन, फरत नगर के मेरे अजीज और अकारिब दोस्त और फरत नगर के रहने वाले, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है या किसी खौफ की वजह से जो लोग गली कोचों में बैठकर या ऑनलाइन फेसबुक पर सुन रहे हैं मेरी तकरीर, उन सब भाइयों को और बहनों को मेरा सलाम। हिंदू भाइयों को आदाबर से, जैसा कि आप जानते हैं आज मैं फरत नगर में एक इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करने के लिए और महाकुटुमी अजीम इत्तेहाद का कैंडिडेट मोहम्मद मुजफ्फर अली खान तेलुगु देशम के हक में साइकिल के निशान पर बटन साइकिल के निशान को बटन दबाकर वोट मांगने के लिए आपके पास आया है। और मैं इस इलाके में कोई मोहताज नहीं हूं तो अपना तारुफ देने के लिए, लेकिन चंद बच्चे जो आज जवान हुए उनको नहीं मालूम कि मैं इस फरत नगर की सरजमीन की बहुत खिदमत किया हूं। यहां पे 2002-2007 मैं कारपोरेटर था। इस इलाके की 3-3 फीट के जो गलियां हैं, 10-10 फीट के गलियां हैं, ऐसी कोई गली नहीं है फरत नगर की जहां पे मुजफ्फर खान ने सीसी रोड नहीं डलवाया, ड्रेज नहीं डलवाया, वाटर लाइन नहीं लगाया, हाई मार्क्स लाइट लगाया, कम्युनिटी हॉल का रूम बनवाया, इस कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल को उठाया, पीछे के कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल उठाया, ऐसी कोई गली नहीं जहां पर मुजफ्फर खान ने खिदमत नहीं की। मेरे बुजुर्ग दोस्त वहां पर बैठे हैं, वो जानते हैं रात दिन वाबिस्तगी थी, कारपोरेटर था, जब हर बस्ती में आना जाना था लोग मसाइल लेके आते थे, मुझसे जो बन सकता था करता था, और अपने पुराने खिदमत गुजार के जलसे को रोकने के लिए आज के नौजवान बच्चे सूद खोर से पैसे लेकर हमारे जलसे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर खान भी इतनी ताकत रखता है, अगर बलाला का घर फरत नगर पर होता तो यहां पर मुझसे घर के सामने में जलसा जलसा बताता। ये इत्तेफाक है, बलाला एक किराएदार है मलक पेट के लिए, और वो पंडे शाम में रहता है। तुम मासूम बच्चों को मैं क्या कहूंगा फरत नगर के, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो। आपके बड़े मेरे साथ थे उस वक्त जब मैं कारपोरेटर था, क्या 5 साल मुजफ्फर खान ने किसी के साथ दगा की, किसी बिल्डिंग के बनने में रिश्वत हासिल की, किसी घर के सामने से खंभे की शिफ्टिंग या ट्रांसफॉर्मर की शिफ्टिंग या नया ट्रांसफॉर्मर बनाना किसी को परमिशन दिलाना, कोई ये कह नहीं सके यहां से कि 1 रुपया मुजफ्फर खान रिश्वत कमाया। आज भी अगर मुजफ्फर खान मलकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके बीच आया है तो कुछ देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं। जालिमों का खात्मा चाहता हूं, मजलूमों की मदद करना चाहता हूं, सूदखोर लैंड ग्रैबर्स वक्त के ज्यादा बेचने वाले उनसे आजादी दिलाना चाहता हूं। एक मौका आया हमारा कुटुंबी का, मैंने प्लान किया रमजान में, उम्र को गया था 25 दिन वहां पे था, इस्तखारा किया, अल्लाह ने मेरे दिल को मजबूत किया और उस हिम्मत के साथ मैं वापिस आकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो इन इलाकों के साथ आया, कोई प्लाटिंग करने नहीं, कोई बिल्डिंग बनाने वालों से रिश्वत हासिल करने नहीं, किसी होटल के मालिक के 3-3 करोड़ रुपए 2-2-3 साल से धोखा देकर लेकर डुबा के रख लिया। सफाई लेते हैं उनके बेटे से और उस होटल का मालिक से कि हमारा और बलाला का कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं दोनों को दावा करता हूं, मैं भी आता हूं, आ जाइए इस मस्जिद के अंदर मंदिर के ऊपर अल्लाह की खत्म खा के बोल दे, देने वाले और लेने वाले, क्या तू दिया नहीं मैं लिया नहीं। छह करोड़ रुपए में वो शख्स नंगुंडा चौरस्ते के पास 7 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदा, 3 करोड़ रुपए जो मेरे पास थे और चिट्ठियां वगैरह छुड़ा के करके पेमेंट कर दिए। 8 महीने पहले, 8 महीने से सताया जा रहा, 1.5-2 साल से पैसा फंसा हुआ है, 3 करोड़ एक जमीन के मामले में लिए थे आपके सबका एमएलए साहब उस शख्स से,
की वापसी नहीं हुई। रमजान में 70 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ 30 लाख बाकी है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, शरत नगर की सरजमीन के ऊपर मस्जिद का बुला लो, अल्लाह की खजल का यह कहूंगा, देने वाले ने मुझसे कहा, उसके बेटे ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा। मैं 1 से 10 बार जब उस होटल के मालिक को उस सूदखोर के घर के पास से देखा तो मैं पूछा, जनाब आप किधर? दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, 10वीं बार मैं पूछा, जनाब जरा से रहिए, फंस जाएंगे। तो बोले, मुजफ्फर भाई फंस गया, 1.5 साल हो गया। खुद आदमी ने बोले, सुनाए वो शख्स डरावा है, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है। आप लोग जानते हैं उसके अखलाक और उसके कैरेक्टर को, कितना शरीफ आदमी है वो। फरक नगर का ऐसा कौन सा नौजवान है जो शख्स को नहीं जानता? मेरा 77-78 का दोस्त है वो, 40 साल पुराना दोस्त है। ईमान वालों जागो, मेरे लिए नहीं तो अपने पड़ोसी हरदार के लिए, उसको जो सताया गया, जो दिल पर लेकर हाथ तोड़ हो गया, जिसका इलाज 12-15 लाख रुपए खर्चा करके आके बैठा हुआ है बेचारा, दिल पर ले लिया, रमजान से सताया गया, इलेक्शन आ गया, डिक्लेयर होकर बोले बाइट मनी मेरे पास उठती नहीं है, बाद इलेक्शन के देता हूं। उधर जो जमीन मनगुंडा चौरस से भी खरीदो, वो लोग पैसों का तकाजा कर ले बखाया पेमेंट का, पेसमेकर बना गया, पेसमेकर के साथ दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए तारे चले गए, 12-15 लाख रुपए दिल हुई। मेरे को मत देखिए, जिस आदमी को सताया गया फरत नगर के मुसलमानों, उसको देखो कहां मर्गल की है टॉपी, हमारे स्टेज को बदलने के लिए, हमारी आवाज को रोकने के लिए आज मासूम बच्चे यहां पर को भड़काया जा रहा है। इसी जुल्म को खत्म करने के लिए हम यहां पे आए हैं। 5 साल मुजफ्फर खान भी कॉर्पोरेटर था, 32 साल सैलरी कर रहा हूं मुजफ्फर खान की सियासत के खातिर, एक आदमी को मुजफ्फर खान की चीज से भिड़ा के कोई केस बुक कराया बता दीजिए मेरे को। मुजफ्फर खान खुद लड़ लिया, लेकिन मेरे कैदर के आदमी को फेंक रहा था, कभी मेरे कैदर को मैं इन्वॉल्व नहीं किया। अरे रोकना तो हम भी बहुत कुछ रोक सकते हैं आपके जलसों को, लेकिन हम नहीं, ये डेमोक्रेसी है। यहां पे हम आए हैं तो किसी पर जुल्म कर करना नहीं, आरओ के जरिए अगर परमिशन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए, और जो पुलिस से क्लियरेंस होकर मिलता है उस परमिशन के साथ यहां पे आए हैं। मेरे भाइयों, हमारे वर्कर को मत सताइए, मेहरबानी करिए, नौजवानों अपने बुजुर्गों से पूछो कि मुजफ्फर खान ने इस बस्ती के लिए क्या नहीं किया। बहसियत कारपोरेटर एक छोटा ब्रिज तक बनाया था मैं यहां पे, बाद में उसको तोड़ के वो लोग और एक बड़ा बना, मुझसे जो बन सकता था करा। इस मस्जिद के सामने 206 महीने में हवा के रुख से नाले से जो बो आती थी, नमाज को आया, बाहर निकल के सोचा क्या करना, बोला एक दीवार उठा देंगे, नीचे से गणेश बंदिश करके 10-12 फीट ऊंची दीवार, 41 फीट तक लंबी दीवार उठाने लगाया इस मस्जिद के पास। उसके बाद फेंसिंग का काम करवाया, फिर आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी बढ़ी, रिटेनिंग वाला उठे। बोलिए बुजुर्ग, ये बात गलत है क्या? गौसिया मस्जिद के सामने दीवार नहीं गया नाले के पास, मेरे जाने के बाद कम से कम अपने ईमान को जुझाइए। बोलिए गलत नगर वालों को, क्या खिदमत नहीं किया मैं? जालिमों को हटाने का वक्त आया है, आपका भाई आपके बीच आएगा, जो गरीबों के स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, 2 बेडरूम के हो या शादियों के हो या सीएम रिलीफ फंड हो, जो मुझसे बन सकता मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, स्कूल कॉलेजेस इस दवाखाने को अपने, मुझसे जो बन सके मैं करूंगा। आने वाली हुकूमत प्रजाकुटुमी की है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा। अगर आपका भाई तेलुगुदेशम से जीत के जाता है तो गवर्नमेंट का हिस्सेदार होगा, ज्यादा से ज्यादा हम फंड लेके आएंगे।
ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करूंगा। ये तो एक होटल के एक मान्यता हिस्सा सुन रहे आप, अफजल नगर में, सैदाबाद में, ऐसी कौन सी जायदाद है, मून फंक्शन हॉल, शहीद फंक्शन हॉल, मुतुबाना आपकी बोली, फैजलोन के बाहर नाम आपकी एपिक्स की प्रॉपर्टी, फुटप्रिंट की, आसमान की, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इन्हें बेचने वाले को और खरीदार को नहीं सताया। मुसलमानों, ऐसे सूखों को, ऐसे महंगी अदर को अगर आप ताकत देंगे हशर के मैदान में, हर आदमी को मरना है, हर चंदा चीज को मौत का मजा चखना है हशर के मैदान में, वो मजलूम इन वोटर की गिरफ्तारी का हाथ बेहतर बनेंगे। अल्लाह ने यही गरीब बात है जिन्होंने इसको चुना था, उन्हीं की ताकत लेकर, उन्हीं की ताकत से हमने जुलम किया। अरे गरीब गरीब पैसे से नहीं, तबीयत का गरीब है। अगर ये होटल का मालिक अगर किसी हैबत की वजह से कुछ नहीं बोल सकता तो महसूस करो उनके साथ रहने वाले हरदीन के दोस्तों को पूछो, कसम खिला लो कि अगले दो साल से 3,00,000-3 करोड़ रुपए फंसे रहे हुए हैं। रोया मेरे सामने मेरे कंठोस को देखकर 6 महीने पहले, मजर उसे भी चिचा से पूछिए, दवाखाने में उनके घर वालों के सामने बोले कि अब्बा मेरे शोहर बहुत दिन से परेशान थे, जो लोग दर खौफ की वजह से नहीं आए यूट्यूब से डाउनलोड करिए, घर घर मेरी मां भरे तक सुनाइए मेरी तकरीर को, 7 तारीख बहुत दिन है, ज्यादा लीजिए। अगर मैं सच कह रहा हूं तो एक रिवोल्यूशन लाइए, अपने भाई को एक मौका दीजिए, पहले सुनो आपका ना, आपके ऊपर मेरा एक दूसरे पर हक बनता है। ये रेलवे ट्रैक इत्तेफाक से आ गए हमारे और आपके बीच, वरना यह चंचलगुड़ा फरक नगर एक बस्ती हुआ हो जाती थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो नाला और रेलवे ट्रैक्स हमारे बीच है, वरना आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आप भी जुड़े हुए हैं, जोड़ लीजिए मेरे को अपने भाई को आपके साथ, आपका भाई खुदा की कसम जो भी करता करूंगा, फरक नगर के लोगों से यहां के रहने वालों का जेब का नाम मेरे जेब में कैसा आ जाए नहीं सोचेगा, आपका फायदा कैसा हो, इस बस्ती का फायदा कैसा हो नहीं सोचेगा। मेहरबानी करिए, सोच समझ कर वोट दीजिए, वोट एक हथियार है मेरे दोस्त। जालिम को चुनना या एक अच्छे किरदार वाले आदमी को चुनना यह आपकी जिम्मेदारी है। कौन कहता है स्विमिंग पूल पे क्या नहीं हुआ, अरे जो करता था वो तुम्हारे साथ है, उन्हीं हरकतों की वजह से काटनी होगी। मैं स्विमिंग पूल बेच के आया 15 लाख रुपए कम में, दूसरों से मैं मेस्को वालों को एजुकेशन काम करने के खातिर वो लोग मिले थे, मार्केट रेट से 15 लाख रुपए कम में 2005 में आपका भाई एजुकेशन दस कुछ जायदाद बेचा अपनी, आज वहां पे स्कूल चल रहा। अगर वहां कुछ होता था तो क्या उसका सपोर्टर तू था? आज जैसा तू होलसेल और सूदखोर सप्लायर है एनसीबी का, हर छोटा सूदखोर ओसीबी का उसके साथ है, हर लैंडलॉर्डर ये लोग उनके साथ, ये हक उसमें इत्तेफाक है, हर खातिर इनके साथ, हर सूदखोर का ताल्लुक मंगलिस से, हर लैंडलॉर्डर का वक्त के ज्यादा बंदू खाने वाले का ताल्लुक, वक्त के शादी खाने बना के बैठ गए सवालों का ताल्लुक मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिम से। ये मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिम है या मस्जिद इंतशार मुस्लिम है? दोस्तों आज क्या तारीख है? 26 तारीख 10 दिन बाकी है अभी मेरे दोस्त, 11वें दिन 7 तारीख को आपको वोट डालना है। 10 दिन तहकीक कर लिया मेरे बताने जाने आपको, जाइए
मामला मालूम करिए, जाइए पाइसलून को जमीन डिलेट करने वाले, अब्दुल खबी साहब को खैराबाद का जमीन डिलेट करने वाले, बाखर नवाब की फैमिली के साथ फुटप्रिंट के साथ क्या हुआ, कौन क्या तू मामला करिए। आपके लिए भी ताकत से, आपके मुसलमानों के लिए मेरे से मुसलमानों को लूट लिया। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इस 10 दिन में मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा फारुख नगर का दौरा करने का, क्योंकि कांस्टेंसी में अभी काफी मेरे घर से बाकी है, सुबह शाम मेरे दौरे चल रहे। मैं यहां के ईमानदारों को, बुजुर्गों को अदबन हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने लेवल पर ग्रुप मीटिंग लीजिए, मेरे लगाए गए इल्जाम को सोचिए समझिए, उसके बाद यूनिवर्सली आप डिसीजन लीजिए। आपका डिसीजन मेरे सर आंखों पर, आपके अगर फैसले में मेरे लगाए गए इल्जाम गलत साबित हो, 7 तारीख से पहले मुजफ्फर खान को बुला लीजिए, इस गौसिया मस्जिद के शिलों में बैठ के आपके चप्पल के हाथ पंगे पर चला जाऊंगा, उस मस्जिद के मुसल्ले के चप्पल के हाथ बन के पंचर बड़े तक जरूर, अगर मेरे लगाए गए इल्जाम गलत है तो। एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में दवाखाना है, इंद्र सिंह रेड्डी, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी एमएलए थे, कभी नहीं सताए, 9 साल से हर साल रिन्यूअल के लिए तंग तंग कर रहा था सेट को, रिन्यूअल को ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए ले लिया, देता हूं वापिस बोल के, एक जमीन की डील बता के लिया, वो नहीं हो पैसे रख लिया, काम है क्या तू शरीफ आदमी है, रहने दो जरूरत पड़ी जब ले लेता हूं, जरूरत पड़ी तो 1.5 साल से फिरा। अरे उस आदमी के लिए रहम करो मेरे भाई, बेहिसाब मुसलमानों को सताया है, सोचो आपके वोट दीवी ताकत से क्या किया उस शख्स ने। मैं यहां डेवलपमेंट के लिए आया हूं मेरे भाई, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं काम करूंगा। यहां पे जो वोट बैंक के तहत हुमनाबादी भां लारिया वालों की इतनी बड़ी फैमिली 9 साल से जमात का काम करते आ रही है, क्या मिला मेरे भाई आप लोगों को, कौन सा काम आपके जरिए से इस बस्ती का हुआ, क्या वार्ड मेंबरशिप दिए, क्या आपकी लीडरशिप को डेवलप करे, किसकी पीठ पे हाथ रख के उठाए जरा मेरे को बोलिए। मेहरबानी करो मेरे भाई, मैं फिर एक बार केसेस अपने ऊपर मत लो मेरे भाई, 9 साल में बेहिसाब लोगों को बेहिसाब लोगों से भिड़ा के केसेस बुक करा दिया, बेल के लिए पैसे दे देता, रौडी शीट खुला के अपनी आस्तीन में लोगों को रख लेता, आप लोगों का मुस्तकबिल खराब होगा। अगर ये नौजवान मेरे को नहीं जानते तो अपने बड़ों से पूछिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुकाबला करना तो मैं तुमसे क्या, तुम जिस जमात के लिए काम कर रहे हो उसके सदर से, 32 साल से मुजफ्फर खान तेलुगुदेशम के प्लेटफॉर्म पे मजलिस इंतशार मुस्लिम से मुकाबला करते आ रही है 1986 से, ये तो 1.5 साल बीच में मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया तो थोड़ी आचकी हुई थी, फिर मैं देखा ये तो एक बदतरीन बदचरण औरत से बदतर लोग है, छोड़ दिया इनसे दोस्ती, उन्हें बिना कोई दुबा के नहीं, एक बात है मैं इनसे 1 रुपया ला रहा है कमा के, लेकिन जितनी मैं इंसानियत की खिदमत की बात करता हूं, जितने कमेटी हॉल्स के कम्युनिटी हॉल जो थंचल ग्रे जो शादी खाना टाइप में चलता है मैं बनाया, उस किस्म के डेवलपमेंट की बात करता हूं, ये कान से सुनते ये कान से छोड़ देते। पहले क्लिनिक्स गरीबों के लिए डिवीजन वाइज डालो बोला, वो नहीं होता, 1.5 साल कई बार गया, फिर देखा मैं बोला ये बदतरीन लोग है, इनसे अवामी खिदमत नहीं होती, अपना आना जाना बेकार है, फिर मेरे उनके ताल्लुकात लास्ट दिसंबर में खत्म हो गए, उसके बाद मैं घर बैठ गया था 6-7 महीने, <आगा। laughs>
6-7 महीने सोचा कि एक जानवर भी अपनी जिंदगी जीता है, एक भैंस के आगे बनी हुई होती है कुटे पे, दूध निथारने वाला सामने से घास या कुट्टी देता, दूध निथार लेता, बकरी चलती बड़ी होती कट जाती, इंसान भी एक मखलूक है, पैदा हुआ एक दिन मौत आएगी मर जाएगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे गट्स दिया, उस गट्स को इस्तेमाल कर इस जालिमों के जुल्म के खात्मे के लिए अगर आज मैं अपने ईमान के तीसरे दर्जे पर पहुंच जाऊं कि लाहौल पढ़ के खामोश बैठ जाऊं। ईमान का एक दर्जा है कि तुम जुल्म अगर होता देख रहे तो उसको रोको, दूसरा दर्जा है कि कम से कम हाथ पकड़कर समझाओ, तीसरा दर्जा लाहौल पढ़ के आगे बढ़ जाना। तो मुजफ्फर खान उस हिम्मत नहीं कर सका, 8 महीने मैं आखिरी दर्जे पर रहा, सोचता रहा, मैं बोला नहीं मुझे हिम्मत करना चाहिए, इन जालिमों के खिलाफ प्रजा कुटुंबी का कैंडर बनना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया मेरे भाई। फरक नगर के मेरे बुजुर्गों नौजवानों आप लोग जानते हैं, यहां बैठे हुए कई बुजुर्ग मेरे पास दावतों में आए हुए हैं, अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी है, दोनों से मैं नाना हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई दौलत कमाकर इस बिल्डिंग की ऊंचाई से खड़े रह के आप लोगों को पीछे देख के सलाम करने के लिए नहीं मेरे भाई, मैं इंसानियत की खिदमत करने के लिए। कुरान 2 हिस्सों में बताया है, एक जिंदा रहने वालों को अमल करने के लिए, दूसरा हिस्सा कुरान का पिछली कौमों पे किस किस्म के जालिमों पे कैसा जुल्म हुआ वो चीज बताता है, और एक हुकूक इबादत बताता है जो अल्लाह के करीब करता है। मुसलमान का होना सिर्फ 5 चीजों के लिए काफी है, कलमे पे ईमान ला लेना, आखिरत के दिन पे ईमान ला लेना, नमाज का पढ़ लेना फर्ज है, जकात का देना अगर इस्तेताद है तो फर्ज है, हज अगर इस्तेताद है तो फर्ज है, और अपने रोजा रखना शायद है तो फर्ज है। लेकिन हुकूक इबादत एक ऐसा चैप्टर है जो अल्लाह के करीब करता है, तखबे पे पहुंचाता है, मैं उस तखबे को हासिल कर जितनी ऊंचाई के ऊपर आज खड़ा हूं उतनी ऊंचाई जमीन के जाना चाहता हूं, आपकी दुआओं के साथ जाना चाहता हूं, आपकी खिदमत करकर जाना चाहता हूं। कि याद रखना लोग मलकपेट की कांस्टेंसी के 5 साल में मुजफ्फर खान मलकपेट की कितनी खिदमत किया, कितने जालिमों को उनके कैसे किरदार तक पहुंचाया, कितने मजदूरों की जो है दुआ लिया, तो दुआओं के साथ आपका भाई दुनिया से रुखसत होना चाहता है। एक मौका दीजिए अपने भाई को, 7 दिसंबर के दिन साइकिल के निशान पर बटन दबाइए, 11 तारीख को डब्बे खुले तो पंजे शाह के होश उड़ेगा कि फरक नगर के मुसलमान होंगे, फरक नगर के जीएलओ में एक ईमान का जज्बा रखते हैं, एक ईमान का जज्बा रखते हैं, क्या फैसला दिया, होश उड़ाना उसके। जमात 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 मेरे भाई मुसलमानों को गुमराह किया जाता है, क्या ओल्ड सिटी में मुसलमान है, ईस्ट वेस्ट गोदावरी में जमात है, कलपा में जमात है, नीमूर में जमात है, विजयवाड़ा में जमात है, मुसलमान नहीं जी रहा, कब्रस्तान नहीं है, रोजा नहीं रख रहा, बिल्डिंग नहीं बना रहा, क्या मस्जिदों से आवाज बुलंद नहीं हो रही, क्या हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव है जहां मुसलमानों को इबादत के लिए या फर्ज की अदा करने के लिए रोका जा रहा है। ये इंतशार है मुस्लिम है, आपके लिए भी उनकी ताकत से हुकूमतों को ब्लैकमेल कर करोड़ों अरबों रुपए लोगों कमा लिए। तो मेरे भाई चीज से रोकिए, अल्लाह फरमाता है जब तक तुम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगे अल्लाह कभी आपकी मदद नहीं करेगा। तो अल्लाह की मदद चाहते हैं तो हालात का जायजा लीजिए 10 दिन में, अगर मुजफ्फर खान के लगाए हुए इल्जाम सही है तो अपने ईमान का मुजाहरा करिए। रात के 2-2 बजे लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, पंजे शाह चाय पीने जाने बोल के उधर लेके जा रहे हैं, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। पदयात्रा में आए, मेरे आने से पहले लोगों को पकड़ के हकाला गया, आज स्टेज डालने से लोगों के घर पे लाइट इजाजत करके बांधी गई, डरा के गए, फिर वो लोग डर के बोले भाई इस पे से निकाल लो, ठीक है भाई गवर्नमेंट की पोल पे लगा ली।
जुल्म कर रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी में, क्या शरीयत इस्लाम यही सिखाता कि हर आदमी को अपनी बात, हक की बात रखने का अख्तियार नहीं है? डरा मेरा दोस्त मैं खड़े के पीछे ठहरा है राहुल भाई, मैं सवाल करता हूं राहुल भाई आपको कि कम अज कम आप इतनी हिम्मत कर चुका है मेरी आवाज को सुनकर आज यहां तक आ गए। मैं आपकी स्टेट पढ़ने की राहुल करता हूं, मौत से पहले मौत नहीं दे सकते जब तक इस सरजमीन पे हमारा खाना पानी बाकी है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। आइए सरजमीन के ऊपर कोई नहीं छीन सकता मेरे भाई, दुनिया किसी का बिगाड़ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह काम करने वाला है, अल्लाह जिसकी इबादत करना चाहता है दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे अल्लाह को खुदरत वाला है, भाई से वेलकम करता हूं स्टेज पर तशरीफ लाइए। अल्लाह को खुदरत वाला है, इब्राहिम अलैहि सलाम को फिरौन के घर में बीबी आसिया ने पढ़कर भला किया, और जब फिरौन मूसा अलैहि सलाम को मारने के लिए निकला, समंदर में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, मूसा अलैहि सलाम का लश्कर आगे बढ़ गया, पीछे फिरौन का लश्कर समंदर में डूब गया। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दोस्त अपने हबीब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हिजरत कर रहे थे, दुश्मनों के लिए छुप कर रहे, कार में जब छुप गए तो मकड़ी ने पैदा कर दिया, मकड़ी ने जाल बुन दिया। अरे अल्लाह की नुसरत आएगी इंशाल्लाह, ठान लीजिए मेरे भाई, एक मौका दीजिए अपने भाई को। 7 तारीख के दिन साइकिल पर घर घर एक एक औरत को बोलिए, अपनी बहनों को बोलिए। एक आखिरी बात एक मिनट बोलकर खत्म करता हूं, मेरे भाई जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनने वाली माँ और बहनों, और मेरे इस बात को शार्ट क्लिप करके फैलाइए कि 9 महीने माँ अपने पेट में रख के किसी के बाप के नुतवे से तुम पैदा होते हो और नाम बदलकर बोकसी की जाती फरत नगर के भूतों के ऊपर, घर बैठी अपनी शरीफ माँ पे नौजवान बच्चे चंद पैसों के लिए वहां पे जाके पूरी निजन जब पूछता क्या नाम है तो बाप का नाम जो चिट्ठी पर रहता वो बोलता अपनी मां पर इल्जाम लगाता है जिना का। मत करो मेरे भाई, एक शादीशुदा है जब जाके हस्बैंड का नाम दूसरा बोलती है उसका निकाह फासिल हो जाता, तहसील निकाह करना पड़ता, मस्जिद के खतीब से पूछ लिया जाके अगर मुजफ्फर खान गलत बोल रहा तो शरीयत क्या इस बात की इजाजत देती है बोकसिम की? बरकत के नाम पर वोट देने की कोशिश मत करिए मेरे भाई, एक वोट दीजिए चाहे 30% फोर हो चाहे 80% हो, अपनी राजदही का इस्तेमाल करिए, 7 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर कामयाब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।